नैनी झील की बिगड़ी हालत ने अब सभी के लिए चिंता पैदा कर दी है। जनता के दबाव के बाद राजनीतिक दलों ने नैनी झील के संरक्षण को राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने की बात कही है। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी का कहना है कि नैनी झील में मलबा न गिरे इसके लिए आदेश जारी किए गए। नैनी झील की ये तस्वीरें कुछ वक्त पहले की है, तब यहाँ लबालब पानी भरा रहता था, लेकिन इस साल मॉनसून के पहुंचने से पहले लेक का जलस्तर इतना गिर गया कि बड़े बड़े पत्थर नजर आने लगे, जिसके बाद नैनीताल आने वाले सैलानियों से लेकर स्थानीय नागरिकों तक ने झील के भविष्य को लेकर चिंता जताई। उधर प्रशासन भी हरकत में आया और झील से मलबा निकाला गया और अब प्रशासन मलबा गिराने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहा है कि जहां पे भी इस तरह का मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्य प्रॉब्लम आती है निर्माण के मलबे से जो ताल में जाता है, जहां जहां पे भी ये पड़ा हुआ है उसमें जो भवन स्वामी या तो खुद ही इसको निस्तारित कर दें, अन्यथा एलडीए की टीम यहां पे बनाई हुई है और मैंने वार्ड वाइज भी टीम बनाई हुई है जो ऐसे भवन स्वामियों का हमारी जो दैवीय आपदा अधिनियम है उसके तहत FIR करवाएगी और बलपूर्वक ही माल वहां से हटवाएगी। उधर राजनीतिक दलों का कहना है कि झीलों के सिकुड़न को अपने एजेंडे में शामिल करेंगे ताकि झीलों को बचाया जा सके। तमाम झीलें हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन तो होना ही चाहिए और नई झीलों का जहां निर्माण के कुछ प्रपोजल्स हैं वो भी बनने चाहिए और जो विलुप्त हैं उनका भी पुनर्जीवित करने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि झील आपको जल भी देगी, आपको पर्यटन भी देगी और अनेक प्रकार के मछली आदि आदि से मत्स्य पालन आदि के कार्यक्रम भी उसमें होते हैं। कि नैनी झील हो, भीमताल की झील हो, नकुचिया ताल हो, ये सारी झीलों के अस्तित्व पर एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए इसको एजेंडे में रखकर इनके लिए दूरगामी नीति बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसकी सफाई व्यवस्था समय पर कर ली जाए तो मेरे ख्याल से हमारे उत्तराखंड में जल की जो समस्या है वो कम की जा सकती है और इसको मुख्य रूप से एक राजनीतिक एजेंडे के अंतर्गत रखकर इस पर एक पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। उधर राजनीतिक दलों का कहना है कि झीलों के सिकुड़ने को वो अपने एजेंडे में शामिल करेंगे ताकि झीलों को बचाया जा सके। असल में नैनी झील के साथ नैनीताल का पर्यटन कारोबार भी टिका हुआ है और अब इस साल झील में पानी का स्तर गिरा तो कारोबार पर भी असर पड़ेगा। जो सैलानी यहाँ पहुँचे भी उन्होंने झील की दुर्दशा पर चिंता जताई। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नैनी झील समेत बदहाली झेल रही बाकी झीलों का भी संरक्षण किया जा सके। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।